हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IQ Neo 6 के बारे में, जिसको अब तक का सबसे बेस्ट गेमिंग फोन बताया गया है। तो चलिए वीडियो के अंदर देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें सही है या गैलेक्सी FI बना रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो इसमें प्रीमियम मेट फिनिश की डिज़ाइन दी गई है। अगर मैं पीछे की बॉडी की बात करूँ तो पॉलीकार्बोनेट की इसमें पीछे की बॉडी दी गई है। तो एक काफ़ी पीछे का जो इसका लुक है, काफ़ी प्रीमियम लुक आता है। डिज़ाइन के बाद अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो इसमें जो डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है वो काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। 6.6 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें कि कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। अगर AMOLED डिस्प्ले है तो कलर वगैरह सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले में कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा हमें देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 120Hz का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिल जाता है। टच सैम्पलिंग रेट की बात करूँ तो 360Hz का हमें टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। और वीडियो के अंदर HDR10+ का सपोर्ट तो मिलता ही है। साथ में जो इसकी ब्राइटनेस है वो 1300 nits की पीक ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस हमें देखने को मिल जाती है इस बजट में। डिस्प्ले और डिज़ाइन के मामले में तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन हमारे सामने निकल के आ रहा है अभी तक। तो अब बात करते हैं हम इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस के लिए जो इसमें प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यह काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है गेमिंग के मामले में। और ये बैटरी का भी काफ़ी अच्छा मैनेज कर लेता है, जिससे कि हीटिंग वगैरह नहीं होती है। तो प्रोसेसर इसमें काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। और इसके प्रोसेसर में एंटीटू स्कोर की बात करता हूँ तो एंटीटू स्कोर इसका निकल के आता है 7,40,000 के आसपास। तो ये भी काफ़ी अच्छा एंटीटू उसको निकल के आता है, क्योंकि प्रोसेसर इसमें काफ़ी एडवांस हमें देखने को मिल जाता है। और इसके गेमिंग फीचर्स की बात करूँ तो गेमिंग फीचर्स में इसमें आने वाला जो फीचर है उसमें हम 90fps पर भी हम गेम पे खेल सकते हैं, क्योंकि IQ ने खुद बताया कि इसमें जो आने वाला अपडेट है उसमें 90fps पर भी आप इसमें गेम खेल सकते हैं। और इसमें एक ई स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है, 4D गेम वाइब्रेशन और वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी इसमें हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। और ये जो फ़ोन है वो बैटल ग्राउंड गेम्स और पबजी जैसे गेम्स को लेकर ही स्पेशली इसको बनाया गया है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी भी इसमें अच्छी है और बैटरी भी लगभग इसमें काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 4700mAh की बैटरी मिलती है। और चार्जर जो इसका है वो 80W का हमें चार्जर साथ में देखने को मिलता है, मतलब कि ये है कि आधे घंटे के अंदर 0 से 100% पूरा फ़ोन चार्ज कर सकता है। मतलब कि अगर आप गेम खेलकर थक गए और आपने चार्ज पे लगाकर आप अगर कहीं फ्रेश होने भी गए तो ये काफ़ी जल्दी फ़ोन चार्ज हो जाता है। प्रोसेसर की वजह से ये गेमिंग खेलते वक्त अगर आप 2-3 घंटे गेमिंग भी करते हैं तो ये हीटिंग भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है, इसलिए ये हीटिंग नहीं होता है। इतनी सारी चीज़ों के बाद हम बात करते हैं इसके कैमरे की। तो इसमें जो कैमरा वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, पीछे से देखने पर आपको लगेगा कि ड्यूल कैमरा है, लेकिन एक हल्का सा मैक्रो कैमरा वो बहुत छोटा दिया गया है, देखने पर आपको दिख जाएगा, लेकिन इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा जो है इसका 64MP का है, फ्रंट कैमरा इसमें 16MP का आपको मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो दे सकता है इस बजट में, क्योंकि ये केवल एक गेमिंग फ़ोन है, कैमरा फ़ोन नहीं है। तो गेमिंग फ़ोन है फिर भी इसमें कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। और IQ की अगर मैं बात करूँ तो इसके अभी तक इंडिया में 650 से ज़्यादा सर्विस सेंटर भी खुल चुके हैं, क्योंकि ये वीवो का ही एक सब ब्रांड है, तो वीवो के सर्विस सेंटर पर भी इसकी सर्विस हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है 30,000 के बजट में, जिसमें आपको गेमिंग फ़ोन मिल जाएगा, बैटरी अच्छी मिल जाएगी, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, चार्जिंग भी इसमें 80W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। तो ये इस बजट का सबसे बेस्ट फ़ोन है और गेमिंग फ़ोन इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों वीडियो, जिसमें मैंने बताया IQ Neo 6 को बेस्ट गेमिंग फ़ोन क्यों कहते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। थैंक यू।